बड़ी खबर आपको बताते चले। ओवैसी बोले, भाजपा सपा एक सिक्के के दो पहलू, जनता को तीसरे विकल्प की तरफ देखने की गुजारिश। विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रचार में आए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी व जनाधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी और सपा पर तीखे हमले किए। यहां तक कि ओवैसी ने योगी व अखिलेश को एक ही सिक्के के दो पहलू भी बता डाला और जनता के आगे अपने मोर्चे के तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। शहर क्षेत्र के लकुला स्थित मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में AIMIM पीस पार्टी वामसेफ राष्ट्रीय वंचित समाज पार्टी की समर्थक सभा में एकत्रित हुए, जिसमें पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी व बाबू सिंह कुशवाहा ने कायमगंज सदर भोजपुर कन्नौज व छिबरामऊ सीट के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमें आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम सभी को उन प्रत्याशियों को वोट करना है जो हम सभी के बीच के हो। उनको वोट नहीं करना जिन्होंने कभी गरीबी ना देखी हो। हम सभी का दर्द क्या समझेंगे। उन्होंने कहा, आज दोहरी शिक्षा नीति से गरीबों का बच्चा बेहतर स्कूल में नहीं पढ़ पाता। उन्होंने मोर्चा के हक में सभी का समर्थन मांगा। और बाबू सिंह कुशवाहा को इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम तमाम लोग एक साथ जवाब। हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये भी तय किया कि आप युवा, आपका आशीर्वाद और आपका वोट मिलेगा। यहाँ पर तीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जिसका सके कमान है मुसलमान और समाज एवं मिनिस्टर रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि यही तरीके से हम तमाम वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को उठा सके। इस लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दीजिए और आप ये विधानसभा में जहाँ पर हमारी बहन गौतमी आदमी यहाँ पर प्रत्याशी है और इस विधानसभा में आप जानते हैं कि इस जिले में चार बीजेपी के विधायक जी हैं बीपी के, और वही जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार और फरुखाबाद शहर के विकास में सरासर नाकाम साबित हुई। क्या आपके पास यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होता? उन सबको कामयाब करके इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता चाहिए, ताकि आपकी सरकार हो, आपके फायदे का काम हो, आपके साथ जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आलेकुम। योगी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने फरुखाबाद की जनता से सौ तेरा शुरू किया है और इसका आपको मतदान के लिए इनको जवाब देना है कि इस विधानसभा को वो लोग जानते हुए भी यहाँ पर इसको एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेस को नहीं हुआ। विधानसभा में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का काम आपकी तरफ से लेना है। आप यहाँ से जाके प्रत्याशी को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर इसको और नई जिंदगी दी जाएगी और उसको ताकत दी जाएगी। मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गो, मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि यहाँ पर जो स्विमिंग मिल थी उसको बंद करके कई साल हो गए। सपा वालों ने उसको शुरू किया, ना बीजेपी की अमर इंजन की सरकार ने शुरू किया। आप बाबू जी कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाइए, इंशाल्लाह ताला उसकी मिल का काम भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। जो हमारे बच्चे शिक्षा के लिए देहरादून या दिल्ली जाते हैं इम्तिहान सीखने के लिए, आप जात पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए। इंशाल्लाह ताला वो काम भी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, मेरी सरदार माँ और बहनों, ये हमारी भागीदारी की लड़ाई है, ये हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अगर आप इसमें साथ देंगे तो मुझे यकीन है कि सही मानों में सिमरनसम की कामयाबी होगी। भाजपा ने लड़ाकर और सपा ने भी हराकर वोट किया, मगर दोनों ने विकास नहीं किया। अखिलेश यादव ने और योगी आदित्यनाथ ने
कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रूप है। आज निकल के तौर पर बाबू हिंदू आपके दरमियान से मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ये जिंदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव तक नहीं रहेगा, बल्कि साल का उठाएंगे और कांग्रेस के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद के दरमियान में मैं बाबू हिंदू आपके साथ खड़ा रहूंगा। यहाँ पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जितने कैंडिडेट उम्मीदवार और प्रत्याशी है उन सबको कामयाब करके इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता दिलाइए ताकि आपकी सरकार हो, आपके फायदे का काम हो, आपके साथ दिलाई मतलब है।